ब्रेक के बाद लौटे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुंछ से बड़ी खबर आ रही है जहां सैलाब में मुसाफिरों की जान फंसी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से सेना ने लोगों की जान बचाई है। हैरान करने वाली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये तस्वीरें आई हैं जहां मैंझर में एक गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई और उसमें मौजूद लोगों की जान संकट में फंस गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोगों की जान बचाना कितना मुश्किल था, अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त कार में मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ये इस कार की तस्वीर को देखिए, सैलाब में फंसी हुई है कार। हालांकि सेना ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में मौजूद लोगों को बचा लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो कार है जो सैलाब में समाती हुई जा रही थी। लोगों की चीख पुकारे यहाँ पर सुनाई दे रही थी, लेकिन सेना ने एक बार फिर से साहस दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी लोगों की जान बचाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बार बार बची है इन लोगों की जान। इस तरीके से सैलाब में ये कार समाती जा रही थी। आसपास के लोग लगातार चीख पुकार मचा रहे थे। सेना के जवान मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लोगों की जिंदगी को बचा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों के बीच सेना ने साहस दिखाते हुए लोगों की जिंदगी को बचाया है। पुंछ से ये तस्वीरें आ रही हैं। सैलाब का सितम किस कदर यहाँ पर लोगों पे देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आसपास खड़े हुए लोग लगातार चीख रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत करना बहुत मुश्किल था इस सैलाब में उतरना। सेना के जवानों ने इस कार में फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें जब दूर से देखकर ही किस तरीके से दिल दहला रही हैं। तो जो लोग, जिन लोगों की जान इस सैलाब में फंसी होगी उस वक्त, उन पर क्या बीत रही होगी वो पल, उस वक्त जितने मिनट वो इस दलदल में रहे, इस सैलाब में फंसे रहे, वो पल उनके लिए कितना भयानक रहा होगा, इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उफान पर नदी है, लोगों की जान बहुत मुश्किल में थी। पुंछ से ये तस्वीरें हैं। सैलाब का सितम किस कदर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुंछ से है और दूसरी राजौरी से, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क धसती जा रही है। एक बड़ा हादसे की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाल बाल बचा है ये हादसा होने से। पुंछ में भी यहाँ पर सेना ने सतर्कता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी लोगों की जान को बचाया। दूसरी ओर आप देख रहे हैं राजौरी में किस तरीके से सड़क धस रही है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। अगर यहां से कोई भी शख्स इस वक्त अगर गुजर रहा होता तो हालात क्या बनते, वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। सैलाब में समा रही है सड़क पूरी तरीके से, अपने आगोश में पानी की लहरें इस पूरी सड़क को समाती हुई जा रही हैं। आसपास खड़े हुए लोग वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, चीख पुकारे भी नजर आ रही हैं। किस तरीके से दो हिस्सों में बट गई है सड़क, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये राजौरी में हादसा हुआ उस वक्त इस मार्ग से, सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। ये पुंछ और राजौरी की तस्वीरें साफ तौर पर बता रहे हैं। संवाददाता उमेश वाले इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, हम दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं पुंछ की बात करूं, कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे, कितने लोगों की जान फंसी हुई थी, कैसे सेना ने रेस्क्यू किया, कैसे इनको बाहर निकाला, जरा बताइएगा उस वक्त के हालात। जी, आपको बता दें कि पुंछ जिले में इस वक्त जितनी भी नदियां हैं सारी उफान पर हैं। लगातार जो पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है उसमें जितनी भी पुंछ की नदी नाले सारे उफान पर हैं। तो ये मैंडर का एक गांव पड़ता है छतराल, ये उस इलाके का था। जब ये गाड़ी वहां से जा रही थी तो सड़क के बीच में थोड़ा सा कम पानी था, तो जो गाड़ी पे से सवारियां पहले उतर गई और जब गाड़ी बीच में पहुंची तो अचानक काफी पानी तेजी से आ गया और उस गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। और इसी के साथ जो पास में जो सेना की यूनिट थी, सेना और पुलिस ने मिलकर जो इस गाड़ी को रेस्क्यू किया, सबसे पहले तो उन्होंने उस जो ड्राइवर था ड्राइवर को बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ड्राइवर को निकाला। उसके बाद जो गाड़ी थी वो गाड़ी पानी के तेज बहाव में काफी दूर तक बह गई। जी, बहुत शुक्रिया उमेश विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल सेना ने इन सभी लोगों की जान बचा ली है, लेकिन ये हालात बता रहे हैं कि बारिश आफत बनकर बरस रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।